हेलो गाइस, वेलकम टू दफ्तर कंप्यूटर टेक। दफ्तर कंप्यूटर टेक में आप सभी को स्वागत है। तो आज मेरे पास है एक J2 का फोन, सैमसंग J2 का फोन। कस्टमर ने मुझे दिया कि ये फोन चालू नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है चालू ना होने का, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी इस फोन में बैटरी लगा हुआ है और चालू कर रहे हैं। तो देखिए ये पावर स्विच को दबा के चालू कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए ये पावर बटन को जब दबा रहे हैं तो वो काम कर रहा है, बट इसका रीजन क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें इस फोन को चेक करना है। तो पहली बात तो चालू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें पहले चार्ज करके देखना पड़ेगा। तो अभी हम चार्जर में कनेक्ट करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ये फोन आखिर ऑन है या फिर डेड हो गया पूरी तरीके से। तो कस्टमर ने कहा कि ये मेरा फोन चालू नहीं हो रहा है, मतलब डेड। उसके पास इस फोन का रीजन है कि ये डेड है, लेकिन हम टेक्नीशियन हैं तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं इस फोन को। तो चार्जर कनेक्ट करते हैं इसके, तो यहाँ पे देखिए ये चार्जर कनेक्ट कर रहे है। तो देखिए चार्जर कनेक्ट करने से ये चार्ज हो रहा है। तो इसमें फॉलो कीजिए डिस्प्ले में। तो यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है, मतलब ये फोन चालू है। लेकिन इसका जो पावर स्विच है, इसका जो पावर बटन है, पावर बटन, ये बटन ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको पहले तो वॉश करना पड़ेगा खोल के। तो इस फोन को पहले ओपन करते हैं। तो इसको डिसअसेंबल करने के बाद उसके बाद बता रहे हैं तो इसका रीजन क्या है। तो अभी तो चेक कर लिया ये फोन चालू है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसको फटाफट से खोल लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए आप पहले से देख पाए। तो इस J2 फोन को अभी खोल लेते हैं। तो इसका स्क्रू खोलना है पहले, तो स्क्रू को हम खोलते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और जिसने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप मत करना, नहीं तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे ये फ़ोन क्यों चालू नहीं हो रहा है, ये फ़ोन क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो फटाफट से खोलते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, आपका भी फ़ोन को जल्दी से जल्दी खोल ले ताकि देर ना हो जाए। तो ये पूरा स्क्रू खुल गया, इसको भी हटा देना है। ये जो दिख रहा है नॉब, इसको भी हटा देना है। इसके बाद ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर, इसको भी खोल देना है। ऐसे खोल दिए। उसके बाद सिम मेमोरी, इसको भी रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा साइड में हिट करना पड़ेगा, इस फोन का डिस्प्ले को खोलना पड़ता है, इसलिए साइड में इसका हिट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से डिसअसेंबलाइज, मतलब ओपन हो जाए फोन। अभी हम इसको थोड़ा सा हिट देते हैं, तो ऐसे हिट देना है लवर से साइड में थोड़ा सा, इतना देने की ज़्यादा हिट देना नहीं है, नहीं तो डिस्प्ले खराब हो सकता है। चारों तरफ थोड़ा सा हीट करना है। तो ये हो गया हीट। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं, फटाफट से ओपन करते हैं। तो इस साइड में से पहले खोलना है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे उंगली से खोल लेना है, ऐसे करके ऐसे स्मूथली खोले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए फोन में, डिस्प्ले में। थोड़ा स्मूथली खोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा लॉक है, इस लॉक को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लॉक किया। तो ये फ़ोन हो गया ओपन। तो ऐसा करके आप स्मूथली खोल ले
उसके बाद इस बोर्ड को भी रिमूव करना है। ये जो मेन बोर्ड है इसको रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बटन है, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो बटन है ये ख़राब हो गया है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ये अप डाउन हो रहा है, लेकिन इसका अंदर का पार्ट ख़राब हो गया है। तो इसको रिमूव करेंगे और न्यू एक नया बटन लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं वो भी हम सिखा देते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, मेन बोर्ड भी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका फॉलो करना। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह मोबाइल का किसी भी वीडियो, किसी भी मोबाइल का प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन आप मेरे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आपका कौन सा मोबाइल का प्रॉब्लम है, वो भी मैं बनाने का कोशिश कर लूँगा उस वीडियो का, वीडियो उस फ़ोन का वीडियो। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, यही मैं आशा करूँगा, ताकि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप लोग नहीं। तो आप अगर लाइक कर देते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं। तो ये बोर्ड हो गया रिमूव, ये है पावर स्विच, तो इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमें ब्लोअर की ज़रूरत है, ताकि हीट मार के इसे रिमूव करें। तो इसीलिए तो इस बटन को हम अभी रिमूव करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है, ये जो पेस्ट होता है ऐसा कुछ भी पेस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा लगा देना, ताकि ये आसानी से रिमूव हो जाए। तो अभी हम रिमूव कर लेते हैं थोड़ा पेस्ट डाल के, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो पूरा बोर्ड में चला जाएगा। तो अभी हमारा ब्लोअर हीट हो चुका है, यहाँ से हीट करना है कुछ देर, ऐसे हीट करना है इसको, कितना है ऊपर में ऊपर करके कितना है थोड़ा सा तेजर से। तो देखिए ये कितना आसानी से ये रिमूव हो चुका है, कहाँ से अभी रिमूव कर ले, आई फॉलो कीजिए यहाँ पे देखिए। तो कितना प्रॉपर तरीके से ये रिमूव हो चुका है। तो आप भी ऐसा करके रिमूव करें। ये है नया पावर की, तो इसको हम यहाँ पे इस बोर्ड में हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे पहले ये जो जगह है उसको तो क्लीन कर लेना है आयरन से, इसका जो पूरा जो पिन है इसको कर लेना है क्लीन। तो ये देखिए ये हो गया है एकदम पूरी तरीके से क्लीन। तो मीटर से हम इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं है, और कर लेते हैं बर्गर पॉइंट में चेक करके, यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा तो बटन ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों जो पिन है, ये दो साइड का पिन, तो देखिए मीटर का जो साउंड है, ये मीटर में देखिए मीटर सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पिन में देखिए इसमें भी शॉर्ट नहीं है, इसमें भी शॉर्ट नहीं है, तो एकदम ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्टर को लगाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कैसे लगाते हैं, कैसे अच्छी तरीके से इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे और बटन जो है इसको अभी लगाते हैं, तो चलो लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट गोल्ड का जो पेस्ट होता है, नेक्स्ट गोल्ड का इसी तरह पेस्ट थोड़ा सा लगा देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाने का। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लगा देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए और किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे लगा दिया। इस बोर्ड को पहले एक्सटेंड करना है, कुछ भी भारी चीज़ से इस बोर्ड को पकड़ के रखना है। तो अभी हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके इसका जो दो जो पिन होता है, पिन जो काम करता है, दोनों पिनों को पहले थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेना है, ताकि अच्छे से ये काम करने लग जाए। यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है, पेस्ट यहाँ पे, और
यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेते हैं ऐसे करके। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ट्वीज़र से पकड़ना है, नहीं तो ये हिल जाएगा। हिल तो ब्लोअर को अभी चालू करते हैं, यहाँ नीचे से हिट मारना है। तो देखिए ये पकड़ चुका है, और यहाँ से दबा के थोड़ा और हिट कर देना है, यहाँ से दबा के ताकि ये पूरी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए ये अच्छी तरीके से बैठ गया, तो ऐसे आप भी बैठा देना इसको अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हिला के दिखा देता हूँ, ये नहीं हिल रहा है, ये जितना भी दबा लूँ ये नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैठ गया। तो अभी थोड़ा सा शोल्डरिंग मार देना है, ये दोनों साइड में जो जगह है ये दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देना। तो अभी हम इस फोन को चेक करेंगे, ये तो पूरी तरीके से बैठ चुका है, तो अभी हम बोर्ड को लगाते हैं फोन के साथ लगा लेते हैं, इस बोर्ड को अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं फोन के साथ। तो यहाँ पे ये कनेक्टर को लगा देना है, यहाँ पे ये वाला कनेक्टर और यहाँ पे ये वाला कनेक्टर, ये दोनों कनेक्टर को लगा देना है, ये डिस्प्ले वाला कनेक्टर और ये बटन्स का, ये बटन्स का कनेक्टर, दोनों को कनेक्ट कर अभी बैटरी लगा के चेक करना है काम कर रहा है या नहीं। तो अभी हम बैटरी को लगा दिए हैं, तो अब यहाँ पे बटन को दबाएंगे, तो यहाँ पे डिस्प्ले में फॉलो करें। तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है, डेड प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं, जो भी फ़ोन चालू नहीं रहा हो रहा है उसका भी प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं। जिसने भी मेरा चैनल बनाया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।